गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कांग्रेस। इससे रिलेटेड सारे थियरी डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। दो तरह के इस क्वेश्चन हैं, एक तो कांग्रेस की स्थापना के हिस्ट्री से रिलेटेड और दूसरा किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था के रूप में आई जिसने देश की आज़ादी को संभव बनाया, लेकिन एक दूसरे लोग हैं जिनका मानना है कि कांग्रेस बेसिकली बनाई गई थी अंग्रेज़ों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कांग्रेस बनाने का पर्पस था लोगों का जो विरोध है भारतीयों का, उस विरोध को कंट्रोल करना, जिसको हम जनरली सेफ्टी वाल्व थियरी के नाम से जानते हैं। और इस थियरी को देने में सबसे ऊपर नाम किसी का है तो लाला लाजपत राय का नाम है। इस सिद्धांत के अनुसार लोग नाराज थे और उनके नाराजगी या उनके फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए साल में एक मंच बनाया गया, एक मंचन के लिए एक जगह बनाया गया जहाँ पे हमें डिस्कशन करना था कि हाँ, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पर निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य तो हमारे लिए एक पॉइंट हम चाहें तो लिख सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना का सेफ्टी वाल्व थियरी ऑफ कांग्रेस फॉर्मेशन वाज गिवन बाई लाला लाजपत राय के द्वारा दी गई। कांग्रेस की स्थापना का जो डेट है वो है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना का जो डेट है वो है 29 दिसंबर 1885, 29 दिसंबर 1828, 1885 को इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना में सारे बड़े लीडर उस समय के, दादाभाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, जितने बड़े लोग थे वो सारे के सारे उपस्थित थे। लेकिन यदि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पूछा जाए, किस व्यक्ति के प्रयासों से कांग्रेस स्थापित किया गया, तो कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश्ड बाई एओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? एओ ह्यूम के द्वारा की गई। ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, ब्रिटिश थे, और उनके नेतृत्व में इस संगठन की स्थापना की गई। और कांग्रेस जो स्थापित किया गया दोस्तों, तो ये हमने हमने कहा 29 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में की गई। बॉम्बे में एक कॉलेज था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के नाम से, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के नाम से स्थापित किया गया। और इस सेशन में कुल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो जैसे आज आपने पेपर देखा होगा, एक क्वेश्चन था उल्टा करके एग्जाम में पूछा गया कि किस सेशन में 72 लोग शामिल हुए थे, या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने अपने 72 लोगों की स्थापना के लोगों के साथ संगठन को स्थापित किया था, तो कौन था? कांग्रेस। अब आता है कांग्रेस नाम किसने दिया, नेम ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का नाम किसने रखा है? तो ये नाम जो दिया है, नेम ऑफ कांग्रेस वाज गिवन बाई दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दिया गया। नेहरू जी को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये दादा भाई नेहरू जी कौन थे? फर्स्ट पर्सन, पहले व्यक्ति जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे, फर्स्ट पर्सन हु इलेक्टेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, बल्कि फर्स्ट इंडियन नहीं, फर्स्ट एशियन है। पूरे एशिया में सबसे पहले कोई व्यक्ति जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुआ, दैट इज दादा भाई नेहरू जी। तो हमने कहा कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में 29 दिसंबर 1885 को, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में,
और कांग्रेस नाम जो दिया दादाभाई नरोजी, और ये नाम लिया कहाँ से गया था? तो दिस नेम वॉज टेकन फ्रॉम US पार्लियामेंट, US अमेरिका की संसद का नाम है, इनके द्वारा ये नाम लिया गया था। और कुल इस सेशन में 72 लोगों ने, और एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि इस सेशन का चेयरमैन कौन था, तो लिख लेंगे चेयरमैन ऑफ फर्स्ट सेशन वाज ब्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी इस सेशन के चेयरमैन थे। तो हमने चारों तरीके से आपसे एग्जाम से क्वेश्चन पूछ लिया कि किस सेशन में, कब, किस कॉलेज में, कितने डेलीगेट्स और किसके स्थापना में किसका नाम जाएगा। तो हम 29 दिसंबर 1885 यही क्वेश्चन पूछ लें, कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन वाज द गवर्नर जनरल। अगला जी सेकेंड सेशन, हालांकि पहले सेशन के चेयरमैन दादाभाई नरोजी को ही बनना था लेकिन दादाभाई नरोजी उपस्थित नहीं थे किसी कारण से, तो इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाया और हमारे लिए ब्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आ गया। लेकिन जो सेकेंड सेशन हुआ है कोलकाता में 1886 में, इसके चेयरमैन दादाभाई नरोजी बनते हैं। दादाभाई नरोजी, और अब कांग्रेस धीरे धीरे कई संस्थाओं का मर्जर शुरू कर चुकी थी। उस समय की सबसे बड़ी संस्था नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कांग्रेस में मिला दिया गया, एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था यदि पूछा जाए, प्री ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस से पहले जो बड़ी थी, तो इसी का नाम आएगा। अच्छा, अठारह सौ छिहत्तर में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है कि पूर्ववर्ती संस्था प्री ऑर्गेनाइजेशन, प्री और संगठन कौन सा था, पूर्व संगठन, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम आता है। चलिए तीसरा सेशन आ जाए आप, 1887 1887, और इट वाज इन मद्रास, मद्रास में, और मद्रास में साथियों देश के पहले मुस्लिम चेयरपर्सन बनते हैं, मिस्टर बदरुद्दीन तैयब जी, या सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये तो हो गया कि पहला मुस्लिम, या पहला मुस्लिम कहाँ पर, या पहला मुस्लिम कौन। तो हमने ये चार सेशन शुरू के याद रखने, और अगला जी फोर्थ सेशन ऑफ कांग्रेस 1888 1888, एंड इट वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन, पहला गैर भारतीय, या फर्स्ट ब्रिटिश, पहला अंग्रेज, गैर भारतीय। तो कौन था साथियों? जॉर्ज यूल। तो देखो चारों आपको याद होना चाहिए, अब एक बार बताओ 1885 में पहला कहां पर साथियों? बॉम्बे। चलो 1886 में कहां? कोलकाता।
1887 में मद्रास, और 1888 में इलाहाबाद। यहां तक तो कोई दिक्कत रहेगा नहीं। बॉम्बे में चेयरमैन कौन था बच्चों? डब्ल्यू सी बनर्जी, ब्योमेश चंद्र बनर्जी। कोलकाता में कौन चेयरमैन था? दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी को 3 बार मौका मिलेगा बनने का। और इलाहाबाद, सॉरी, मद्रास में मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, या बदरुद्दीन तैयब जी से भी चल जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। और ए फॉर इलाहाबाद, ए फॉर अंग्रेज, क्या नाम था? जॉर्ज जुल, जी ओ जॉर्ज जुल। तो ये 4 कम से कम आपको याद रहना चाहिए कि कब, क्यों, कैसे, सारा का सारा, किसके किसके द्वारा लाया गया, कहाँ पे हुआ, है ना? ये पक्का मतलब भूलना नहीं है। यहाँ से मैचिंग के लिए भी आता है, फैक्ट भी आता है कि पहला नॉन इंडियन, पहला अंग्रेज, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर आ जाएंगे 5th सेशन कांग्रेस। 5th सेशन, 5वां सेशन जो हुआ था 1890 में, और इसमें हमने कहाँ पे, कोलकाता में, और यहाँ पे लिया गया कि हाँ हम कांग्रेस का सेशन विदेश में भी करेंगे। हालांकि हो नहीं पाया कभी कांग्रेस का सेशन विदेश में, तो इसलिए हमें 5वां कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 6ठा इंपॉर्टेंट नहीं है, 7वां भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सीधे आना है। हाँ, वो स्पेशल सेशन है, उसके लिए परेशान नहीं होना, छोड़ देना, उसके लिए मैंने उसको बोला नहीं। यहां पर एक बात देख सकते हैं कि डब्ल्यू सी बनर्जी जो पहले चेयरमैन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो पहले चेयरमैन है वो दूसरी बार कांग्रेस के चेयरमैन कब बने? तो पहले सेशन, पहले चेयरमैन दूसरी बार कहां पर? इलाहाबाद में। कब? 1892 में, 1892 में। बिकमिंग अ प्रेसिडेंट फॉर अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार है ना, इलाहाबाद में 1892 में, 8वें सेशन में। आजादी तक कुल कितने कांग्रेस के सेशन हुए हैं? 55 हुए हैं आजादी तक, जबकि होने कितने चाहिए थे? 15 साल उधर और 47 इधर, है ना? तो 15 और 47 कितने हो जाएंगे? 62। यानी कोई कुछ सेशन ऐसे रहे जब नहीं हो पाए। फिर सीधे आ जाओ आप साथियों, 12th सेशन 1896, 12th सेशन। अब देखो यहां पे 2 सेशन हम कंपेयर करेंगे, 1896 और 1911। 1896 में क्या हुआ था? नेशनल सॉन्ग गाया गया, राष्ट्रगीत, और यहां पर साथियों नेशनल एंथम गाया गया, राष्ट्रगान। दोनों संयोग से कोलकाता में ही गाया गया, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या क्वेश्चन आता है कि 1896 में जब राष्ट्रगीत गाया गया तो कौन था चेयरपर्सन? तो कौन है साथियों? रहीम तुल्ला सयानी। देखो बुखार में क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं बोला वो सब कुछ बोल रहा हूँ। और 1911 में नेशनल एंथम विश्व नारायण धर। राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, अपनी कौन से बुक में?
आनंद मठ में। आनंद मठ किससे रिलेटेड है? सन्यासी रिवोल्ट से। सन्यासी रिवोल्ट की क्या खास बात है? भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला विद्रोह है वो सन्यासी विद्रोह ही, जब उन्होंने तीर्थयात्रा पर लगने वाले टैक्स का विरोध किया। और राष्ट्रगान जो गाया गया था जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया था, हे क्या है राष्ट्रगान हमारा, जनगण मनगण है ना, आप ही हमारे जन के मन है, सब कुछ आप ही को समर्पित है, जॉर्ज पंचम के सम्मान में। आज वही चीज हमने किसको इंडिकेट कर दिया? भारत भूमि को। चले तो ये दोनों बातें हमने कंपेयर कर दी, याद रखना है राष्ट्रगीत कब, राष्ट्रगान कब। और संयोग से क्या देखो रहे हो, गाया किसने था वंदे मातरम को? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना, जबकि राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगीत लिखा है उन्होंने, गाया किसने, दोनों बातें अलग अलग है। इसीलिए एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज हो गए आप, कि आपके दिमाग में तो ये तो नहीं ही होगा, ये तो इन्होंने तो राष्ट्रगान लिखा है। तो ये पढ़ो, यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया। मुझे लग रहा है कि आपने धोखा दिया है, बिकॉज आप स्टैटिक जीके की बुक नहीं ला रहे हैं। अरे धोखा मेरे साथ ही होगा। मैं किसको कहूँ? हाँ, अगला जाइए सीधे 1901 17वां सेशन। गांधी जी फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन कांग्रेस सेशन। गांधी जी पहली बार कांग्रेस सेशन में शामिल हुए। हालांकि गांधी जी ऑफिशियली जब कांग्रेस में शामिल होंगे तो हमने सीखा था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे भारत। तो इसी बाद 1916 का लखनऊ सेशन हुआ और इस लखनऊ सेशन में गांधी जी पहली बार शामिल होते, मतलब आने के बाद। तो जनरली हम और आप बुक में यही वाला पढ़ते हैं और यहीं पर उनसे रामचंद्र शुक्ल मिलते हैं और उनसे तिनकटिया प्रथा की दिक्कत बताते हैं और उनकी बात को मान करके फिर वो जाते हैं चंपारण। लेकिन उससे पहले वो 2 साल भारत का भ्रमण भी करते हैं, है ना, क्योंकि उनके गुरु गोखले ने क्या कहा था कि यदि आपको भारत के बारे में जानना है तो पहले भारत को, भारत के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले भारत को समझिए। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में आते जाते हैं। चले तो गांधी जी 1901 में वैसे शामिल हुए, लेकिन जनरली हमें बुकों में ये वाला मिलता है, तो ये जाने से पहले शामिल हुए। अगला जी 1906 कोलकाता सेशन, 1906 कोलकाता सेशन। कोलकाता में ही था, दिनेश ही वाचा उसके चेयरमैन थे। ये नहीं, नहीं आज तक नहीं पूछा है, तो मैंने अपनी सुविधा के लिए बनाया, मतलब आज तक किसी भी एग्जाम नहीं पूछा, ना आईएएस में ना पीसीएस इसमें। कोलकाता सेशन। अब देखो 16 अक्टूबर 1906 को बंगाल को बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में, बंगाल के प्रशासन के नाम पे। लॉर्ड कर्जन था इस समय, मैं 1906 बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ ना, 1905 में बांट दिया गया। तो इस दिन को पूरे बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधा, शोक मनाया, विरोध किया और सबके मन में आ गया कि नहीं, अब यदि अंग्रेजों का विरोध करना है तो हमें खुद को मजबूत करना होगा, स्वदेशी लाना होगा। तो अब इस बात को मजबूती देने के लिए तुरंत जो 1906 का सेशन था वो कांग्रेस ने जानबूझ करके कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया और जो उनके सबसे सीनियर नेता थे दादा भाई नेहरू जी, इनको दिया गया कि आप इस मंच को संभालिए। और इस मंच से 2-3 बड़े बड़े निर्णय लिए गए,
जिसमें से पहला निर्णय है स्वराज, कि अब हमें स्वराज चाहिए। अब ये नहीं चलेगा कि बाहर का कोई व्यक्ति हमें डिसाइड करेगा कि हम शासन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब देखो यहां से क्वेश्चन किस किस तरीके से तुमको कंफ्यूज करते हैं। ये पूछा था स्वराज शब्द पहली बार किसने यूज किया, तो स्वराज शब्द पहली बार तिलक ने यूज किया है। तिलक अपने बुक केसरी में लिखते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ले करके रहूंगा, मैं पैदा स्वतंत्र रूप से हुआ हूं, जीवूंगा भी स्वतंत्र रूप से और मरूंगा भी स्वतंत्र रूप से। लेकिन पूछा जाए ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के मन से स्वराज किसने किया है, स्वराज की डिमांड किसने की, तो बिहाफ ऑफ कांग्रेस स्वराज वाज डिमांडेड बाई दादा भाई नेहरूजी के द्वारा, दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। दोनों बातें अलग अलग है। 1896 और ये 1906 में, लेकिन यही कहा जाए कि पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंसी, पूर्ण स्वराज, तब तो 1929 के लाहौर सेशन में, लाहौर सेशन में पंडित नेहरू कहेंगे कि अब हमें आधा अधूरा स्वराज नहीं चाहिए, अभी हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और अगले 25 दिन बाद यानी 26 जनवरी को मैं, 26 जनवरी को मैं देश को आजाद करवा लूंगा, 26 जनवरी 1930 को सारे नेताओं के द्वारा ये डिसीजन हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ करते उससे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, सारे बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया। लेकिन उसके साथ हम हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे, स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। क्लियर है? तो ये तो हो गया स्वराज किसने, स्वराज कब। हाँ, अब देखो इसमें और क्या हुआ, बायकॉट मूवमेंट, बहिष्कार आंदोलन का लाया गया, स्वदेशी लाया गया, विदेशी बस्तियों का परित्याग, नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा, चार चीजों को हमने ऑफिशियली यहां पे स्वीकार किया। अच्छा, ये वही दौर है जब भारत में स्वदेश बड़ी लेवल पे आता है, जैसे आज के टेस्ट में था कि स्वदेशी का दौर कब आया, आज के टेस्ट में था या कल वाले में था, आज वाले में था। तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी का दौर शुरू हुआ है, नहीं था तो कल वाले में होगा। तो ये जो शुरुआत हो रहा है कहां से, बंगाल विभाजन के बाद। तो हमें लगा कि यार ये तो हम बहुत हल्के में ले रहे थे इन चीजों को, तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। और ये वही दौर है जब बहुत सारे बैंकों का स्थापना होगा, बहुत सारी इंडियन कंपनियां स्थापित होंगी, मतलब एक क्रांति सी आएगी भारत में स्वराज को लेकर के। तो ये सारा निर्णय कहां पर, 1906 कलकत्ता में, किसके द्वारा, दादा भाई नेहरू जी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आया कि स्वराज का तरीका क्या हो। तो इस समय तक कांग्रेस में दो दो तीन तरीके के लीडर आ चुके थे। ये कह रहे थे कि आजादी जो है शांतिपूर्ण तरीके से भी ली जा सकती है, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, ये ब्रिटेन के लोग एक अच्छे लोग हैं, इनको बस बताया जाए कि क्या दिक्कत है तो ये चीजों को सुलझा देते हैं। जैसे आजकल प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, तो सरकार कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन से हम अपना विकास कर सकते हैं। बस प्राइवेट लोग क्या है, अच्छे के लिए कार्य करते हैं, क्वालिटी के लिए कार्य करते हैं। अब पता नहीं कौन सा प्राइवेट, कौन सा सरकार। तो एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं, अब दौर आ गया कि अंग्रेजों को मार भगाया जाए, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। और एक दौर कह रहा है कि नहीं यार, अभी वो टाइम नहीं आया है, अभी शांति से जैसा चल रहा है चलाया जाए, बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया जाए। और इस बात को लेकर के 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है, विभाजन हो जाता है, और इसका चेयरमैन रास बिहारी घोष या रास बिहारी बोस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, हर बार एग्जाम में आता है।
एक ही है, एक ही, एक ही। कहीं रास्पबेरी बोस मिल जाए, कहीं रास्पबेरी बोस, बोथ आर सेम। अब देखो, अब ये है कि कहां पे बंटा था, ये आपको याद रहेगा, सूरत का। कौन चेयरमैन था? रासबिहारी बोस। फिर बाद में आकर के मिलेंगे भी आपस में, ये तो कब मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब मिलेंगे? हाँ, तो 1916 में तिलक के प्रयासों से लखनऊ पैक्ट होगा, लखनऊ समझौता होगा, और इसमें वापस कांग्रेस रीयूनियन हो जाएगी, एकीकृत हो जाएगी। कांग्रेस रीयूनियन हो जाएगी, एकीकृत हो जाएगी। इसमें तीन काम होगा, हालांकि गांधी जी शामिल होंगे आने के बाद। कांग्रेस रीयूनियन हो जाएगी, एकीकृत हो जाएगी, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाएगा कि हाँ, मिलजुल कर ही काम करेंगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब प्रश्न आता है कि 1916 के सेशन का चेयरमैन कौन था? तो 1916 के सेशन का चेयरमैन था एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ये 10-12 ऐसे सेशन है जिनके आपको चेयरमैन याद होने चाहिए, तो उसमें से एक ये। क्लियर है यहां तक? ना ना ना, सीरियल नहीं याद रखना, सीरियल तो आया ही नहीं कभी किसी एग्जाम में, कठिन हो जाएगा, पॉसिबल भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। यह होता कि मान लो एक भी एग्जाम में आ गया होता गलती से, तो हम याद करवा देते। चलो अगला है। हाँ, 1909, अच्छा सेशन है, 1909। मदन मोहन मालवीय, इसमें क्या हुआ है? तो आप पढ़े होंगे 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या कहता है? कि बेसिकली मॉर्ले कौन है उस समय का? सेक्रेटरी, और मिंटो उस समय का गवर्नर। तो इन्होंने कहा, जैसे 1906 में मुस्लिम लीग बन जाएगा, मुस्लिम लीग क्या कह करके कि जैसे कांग्रेस हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही है, वैसे हम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी स्थापना ही इसी सोच से, द्विधार राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है। अब इनको खुश करने के लिए मिंटो ने क्या किया कि कहा कि ठीक है, इनको बांट देते हैं, और इसमें आकर के कहा कि जी, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचन चुनाव विधि का शुरू कर देते हैं, पृथक निर्वाचन मेथड। तो इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ही चुनाव में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, या चुनाव में लड़ेंगे। तो इसमें आकर के कांग्रेस ने पहली बार विरोध कर दिया कि ये गलत है। तो चाहो तो लिख लोगे, इन 1909 सेशन कांग्रेस अपोज द प्रपोजल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। 1909 के से अधिवेशन में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया। और अभी हमने पढ़ा था ये 1896, और 1896 में कहां पर? कोलकाता, वंदे मातरम, कौन सा? रहमतुल्ला सैनी, रहमतुल्ला सैनी यहां पर, और यहां पर विश्व नारायण धर, ये जनगण मन, और ये
वंदे मातरम। चले हाँ बच्चे, मुस्लिम लीग की कोई मांग अभी स्वीकार नहीं हो रही है। मुस्लिम लीग और ये दोनों मिलकर राष्ट्रवादी सोच से भी चल रहे हैं। मांगे जो स्वीकार की जाएंगे जब खिलाफत मूवमेंट आएगा तब। ये तिलक का मानना था कि यदि हम अलग अलग लेकर चलते रहे, यूनाइट नहीं हुए, तो हमारे लिए खतरा होगा। हालांकि इससे बहुत सारे लोग नेता सहमत नहीं थे, लेकिन तिलक उस समय तक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो चुके थे। हाँ, बल्कि तिलक गांधी बाद में तुलना भी करते हैं तिलक से, कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जो मेरे पूर्वजों ने जिस तरीके जेल की यात्रा की, मांडले जेल वाला, और मैं उस तरीके जेल में जा रहा हूँ जब उनको पहली बार जेल की सजा दी जाती है, तो देशद्रोही का सजा चलाया जाता है। तो चिरोल कहता ही है, वेस्टर्न चिरोल एक है, कि तिलक अकेला है जो भारत में अशांति का अग्रदूत है। हाँ, तो तिलक इस समय यदि तिलक साथ मरते नहीं तो हमारे लिए एक अच्छे लीडर के रूप में साबित होते। अलग उम्र हो गई थी उनकी, सीनियर थे। और 1950 अपनी मौत, नेचुरल मौत है, बीमारी शायद है, मतलब नॉर्मल बीमारी है, उम्र हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वाज इंटर्ड इन टू, नहीं छोड़ दो, 1916। अच्छा सेशन है, तो हम मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आ गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। ऐसा बताते हैं कि जिन्ना को जिन्ना बनाने वाला कोई व्यक्ति है तो गांधी ही है। गांधी कैसे हैं कि कई बार आप छोटे व्यक्ति को ज्यादा वैल्यू देंगे तो अपने आप उसका वेटेज बढ़ता चला जाता है। तो ये हम सब अपनी लाइफ में भी ये गलती कर देते हैं कई बार, जिसकी कैपेसिटी नहीं है उसको उतना ज्यादा वैल्यू दोगे तो दिक्कत होगी। हाँ, जिन्ना जी का, जबकि जिन्ना को गांधी ने मना लिया था कि तुमको प्रधानमंत्री बना देते हैं और पाकिस्तान की डिमांड ना करो, और सबको पता था कि टीबी हो गई थी, मतलब उसमें टीबी का इलाज नहीं था, मरना था उसको। लेकिन हाँ, पटेल का स्टेटमेंट है कि जिन्ना अब पाकिस्तान चाहे ना चाहे, हम हिंदुस्तान चाहते हैं। बिपिन चंद्र वाली बुक में है स्टेटमेंट है, और बिपिन चंद्र लिखते हैं कि सत्ता प्राप्ति की भूख इतनी बढ़ गई थी कि हम किसी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं थे। अब बिपिन चंद्र सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन लिखा यही है, पढ़ोगे बुक में तो मिल जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि जानबूझ के इन कम्युनिस्ट लोगों ने, हमारे जो दो चार बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं, तिलक जैसे लोग और पटेल जैसे, जिन पर हमें प्राउड होना चाहिए, उनका करेक्टर भी बिगाड़ने का प्रयास किया है। हाँ, वो किस पे, कांग्रेस पे लिखते हैं। अच्छा चलो, अगला आ जाओ, 1917 का कोलकाता सेशन, एनी बेसेंट। 1917 का कोलकाता सेशन, एनी बेसेंट। और यहीं पर ये इसमें क्या है, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की पहली महिला सभापति। और यहीं पर 1925 कानपुर, और फर्स्ट इंडियन वुमेन, चेयरमैन, और मिसेज सरोजनी नायडू। यार ये तो हमने कभी देखा नहीं। कर लेंगे गूगल, ऐसा जरूरत पड़ेगा तो, इनके पति कौन थे, इनके बेटे कौन थे, इनकी नहीं, इनकी बेटी बनी थी इसी वेस्ट बंगाल की पहली राज्यपाल, पहली राज्यपाल नहीं लेकिन राज्यपाल बनी है, ये पहली राज्यपाल है यूपी की। यस, ये पॉइंट गुड। क्या नाम था? हाँ, पद्मजा नायडू। इनकी बुक आती है सरोजिनी नायडू का एग्जाम में, खूब बुक आता है, आजकल में भी हमने एक टेस्ट में दिया था। हाँ, सांग ऑफ इंडिया 1919। हाँ, ये लिखो, अमृतसर, मोतीलाल नेहरू। पहली महिला पूछा जाए, पहली भारतीय महिला पूछा जाए।
और इसमें हमने जलियांवाला बाग का विरोध किया और खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट कर दिया है। खिलाफत मूवमेंट क्या है? तो पूरा मुस्लिम समुदाय तुर्की के, क्या था नाम शासक, कमाल पाशा, यस कमाल पाशा को अपना धर्मगुरु मानती थी। धर्मगुरु का मतलब है खलीफा। तो तुर्की और ब्रिटेन एक दूसरे के अगेंस्ट थे और तुर्की हारने वाला था या मान लो हार ही चुका था। तो हम पूरे विश्व के मुसलमानों ने रिक्वेस्ट किया था ब्रिटेन से कि हमारे कमाल पाशा के साथ कुछ ना किया जाए, उनके साथ शांतिपूर्ण तरीके से उनको छोड़ दिया जाए। तो ये अंग्रेज़ तो मानने वाले हैं नहीं, ये करते वही हैं जो मना करो। तो इसके विरोध में इन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट चलाया था। गांधी जी को इसमें थोड़ी सी एक अच्छा भविष्य दिखा कि यदि हम मुसलमानों को एकीकृत करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा मौका है हम एकीकृत करके। तो यहाँ पे इन्होंने खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलकर के अभी आगे आएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कराएंगे, एनॉन कॉपरेशन। ठीक है फिर तो अगला लिखो, 1920 स्पेशल सेशन ऑफ कलकत्ता असहयोग। सविनय कब आएगा निकम्मे? लाला लाजपत राय स्पेशल सेशन। कटअप से 7-8 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स आते हैं, क्या बताऊं, सब मुद्दों पे बात कर चुका हूं मैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब किससे लड़ना है कैसे लड़ना है ये नहीं पता है। सिर्फ पढ़ने पढ़ने से थोड़ी ना होता है, हर समय सजग रहना होगा अपने दुश्मन के प्रति, और इसे सिर्फ दुश्मन है। जब आपको पता चल जाए कि आपकी कमजोरी क्या है और उस पर हमला नहीं कर रहे हो, फिर तो कोई फायदा नहीं। पता चल गया कि जीएस में दिक्कत हो रही है, मारो पूरा कहीं से भी, उस बुक का सोर्स पूछो और उसको रट डालो। मैथ में दिक्कत है, मैथ पे खेलो, नहीं तो ऐसे 10 साल तैयारी कर लो और कोई अंत ही नहीं है सिलेबस का। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, कोर्ट कॉलेज काउंसिल का है ना, ट्रिपल सी का बहिष्कार किया था। अब आ जाओ यंगेस्ट, ये भी लिख सकते हो गया वाला भी, क्योंकि यहाँ पर स्वराज पार्टी का स्थापना होता है, कांग्रेस की वर्किंग प्रणाली एक बार फिर बढ़ती है। 23 में बनी थी लेकिन अलगाव तो यही हो जाएगा, यही प्रपोजल दिया जाएगा। हाँ 5 फरवरी है 1922 और 12 फरवरी को वापस ले लेंगे। वो गांधी की बहुत बड़ी बुद्धिमानी थी, यदि वापस नहीं लेते तो अंग्रेज इतनी बुरी तरीके से वो करते हमला, कभी आंदोलन उठ खड़ा ही नहीं होता। तो उन्होंने लोगों के मन में, भले मेरा इमेज खराब हो जाए लेकिन लोगों के मन में भरोसा बना रहे कि हाँ हम लड़ते तो जीत जाते। जैसे जो सर ये जो किसान नेता कर रहे हैं, यदि लंबे समय तक बैठे रहे तो आगे कोई नहीं बैठेगा इनके साथ, इनको थोड़ा माहौल बना के वापस चले जाना चाहिए अल्टीमेटम दे के। तो लोगों को भी लगता था हाँ लड़ते तो जीत जाते, लेकिन उसमें क्या है कि मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए बहुत सारे देश गुलाम है, पलाऊ 1994 में जाके स्वतंत्र हुआ है, तिब्बत नहीं, तिब्बत तो अलगाव कर रहे हैं। स्वतंत्रता आजादी इन सब आंदोलनों से नहीं मिला है, अंग्रेजों ने 2-3 गलतियां की उसके वजह से मिला। जैसे उन्होंने हमें इंग्लिश सिखाया, इंग्लिश सिखाने के बाद क्या हुआ कि जो गैप था वो खत्म हो गया। जिस दिन हमारा आपका गैप खत्म होता उस दिन हम और आप अपने समान अधिकारों के लिए लड़ने लगते हैं। और लाखों लोगों के बलिदान, मतलब अच्छी शब्द में कहा जाए लाखों लोगों ने बलिदान दिया तब मिला आजादी, ऐसे थोड़ी नहीं मिली। और मुझे नहीं लगता कि आजादी मिली भी है, आजादी मिली होती कि आज आपका एग्जाम 4 दिन पहले कैंसिल नहीं होता,
26 को एग्जाम है आपका और 3 दिन पहले आप नोटिस डाल के कहते हो कि 8 मई को होगा सीपीओ का, स्टेनो वालों का। तो स्टेनो वालों को चलो समझ में आता है कि होली था उस दिन, हाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। वो आज़ादी मिली होती तो लोग रोड पे नहीं बैठे होते, आज़ादी मिली होती तो एक बच्चे को अपने आप को प्रूफ करने के लिए 5 साल नहीं लग जाता। ये कुछ लोगों के हिस्से में आज़ादी आई है जिन्होंने अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज को यूज किया है। रिसर्च कह भी रहा है कि जो पुलिस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो जनता के लिए ही नहीं, वो सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए काम करता है। वो जो ऑर्डर पास करेंगे वही लागू होगा। लेकिन हमें ऐसी बातें नहीं करनी, हमें अच्छी अच्छी बातें करनी है। आज़ादी मिल चुकी है और हम सब आजाद हैं, तभी मैं इतना बोल पा रहा हूँ। अगला लिखिए, 1923 काकीनाडा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट। इन्हीं के पास रिकॉर्ड है किस चीज का, लॉन्गेस्ट का भी, क्योंकि उस समय सेशन ही नहीं हुआ तो ये बने रहे। और इससे भी महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा, गांधी जी किस सेशन के चेयरमैन बने थे, ना तो इससे पहले बने ना बाद में बने, बेलगाम है? हाँ, जो पढ़ा रहे हैं यही पूछता है। अब मैं फिर दोबारा एक बार स्टैटिक पे काम करूं, वो तो काकीनाडा में बने थे, गांधी जी बेलगाम में बने थे। हाँ, स्पेशल सेशन भी होता है टाइम टू टाइम, देखो ये भी स्पेशल का है। दिसंबर उसी साल में, मतलब जैसे 29 से 31 दिसंबर चलता था हर साल एनुअल, कुछ भी पूछा जाए सब कर दोगे जीएस, बस जैसे बताऊं वैसे पढ़ना पड़ेगा। पीली किताब खत्म करिए, सारी लड़ाई ऐसे ही खत्म हो जाएगी। स्टैटिक, तो गांधी जी बेलगांव कर्नाटक में, और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला, और 1917 में एनी बेसेंट कोलकाता में पहली महिला, फीवर है ना। तो ये तो हो जाएगा कि कहां पर हुआ 1917 में और 1924 में, सॉरी 1925 में और 17 में, 25 में सरोजिनी नायडू और 17 में एनी बेसेंट, 25 में कानपुर और यह 17 में कोलकाता। चलो ये भी लिख सकते हैं 1928 वाला भी, कोलकाता मोतीलाल नेहरू, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, युवा कांग्रेस की स्थापना की गई, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, युवा कांग्रेस की स्थापना की गई, यूथ कांग्रेस, युवा कांग्रेस की स्थापना की गई। हाँ, ये भी हमने डिस्कस किया था, पूर्ण स्वराज, कि हम 26 जनवरी को अपने आप को आजाद कर लेंगे, और यही कारण था कि 26 जनवरी को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू किया। तो ये पूछा था कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब मिला और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब अनाउंस हुआ, तो दोनों अलग अलग बात है। हम एग्जैक्टली आजाद हुए कब, 15 अगस्त 1947, लेकिन पहला मना कब रहे हैं 26 जनवरी 1930 को, उसके बाद हर साल मनाते थे इंडिपेंडेंस डे, ये तो 26 जनवरी 1950 के बाद हम उसको रिपब्लिक डे मनाने लगे। चलो, कराची वल्लभ भाई पटेल, ये कल हमने पढ़ा भी था, फंडामेंटल राइट का प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया, प्रपोजल ऑफ फंडामेंटल राइट वाज एक्सेप्टेड, मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। नहीं, हाँ वैसे बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोजल,
और इसी क्वेश्चन को हम ऐसे ही पूछ सकते हैं, गांधी इरविन पैक्ट को सहमति कब दी गई, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे ही पूछ सकते हैं, कब कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हाँ वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे इसी सेशन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब हम सिखा चुके हैं कि एक ऐसा सेशन जहां बराबरी का की बात होता हो। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। हाँ 23 मार्च 1931 को गांधी जी को, सॉरी भगत सिंह को फांसी हो गई है और यहीं पर गांधी जी को अपने आप को बोलना पड़ता है कि गांधी एक मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता, गांधी को तो मार सकते हैं लोग। फिल्म सब कुछ नहीं होता है, गांधी जी जैसे महान व्यक्ति पे प्रश्न लगाना आसान काम, गांधी होना गांधी बनना बहुत अंतर है। अपने बेटे का वजीफा किसी और को दे देना बहुत हिम्मत चाहिए, चार बेटे और चारों नालायक निकल जाए बहुत बड़ी बात है, मतलब तीन अपने उनके बेटों पे। मूवी नहीं देखी है क्या? एक मूवी है हाँ उस पर पूरा स्टोरी है। इतिहास ऐसे नहीं चलता है, क्या होता क्या हुआ से इतिहास चलता है। होता तो बहुत हम अच्छा इतिहास, हमारा जीवन बहुत बढ़िया नहीं होता। आप भी अपने लाइफ की गलती को उठा के देखिए, ये गलती नहीं की होता तो मेरे आज ये होता, लेकिन वही होता तो जिंदगी सबकी बेहतर होती। 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस। आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या मानते हैं? नेशनल प्लानिंग कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई, नेशनल प्लानिंग कमिटी। बेसिकली 1934 में जब प्लानिंग चैप्टर में पढ़ा दूंगा कभी, चेयरमैन इसके चेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे नेशनल प्लानिंग कमेटी के। इसको बताना था कि प्लान कैसे बनेगा, त्रिपुरी सेशन और सुभाष चंद्र बोस। इसकी कहानी क्या है? गांधी जी ने अपने कैंडिडेट पट्टाभि सीतारामैया को कांग्रेस के लिए रिप्रेजेंट किया और उनका कंपटीशन हुआ सुभाष चंद्र बोस से। तो सुभाष चंद्र बोस भी उस समय तक एक मजबूत पर्सनालिटी है, IAS थे, जीत जाते हैं। अब गांधी को इंसल्ट फील होती है, गांधी कहते हैं ये पट्टाभि की हार नहीं है, ये मेरी हार है, मेरा अपमान हुआ है और मैं कांग्रेस से बड़ा संगठन स्थापित कर दूंगा, बालू के रेत से भी मेरे अंदर इतना दम है, मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। तो लोगों ने फिर सुभाष चंद्र बोस से कहा यार हमारे पास गिने चुने यही एक लीडर हैं और यदि ये भी नाराज होंगे तो कैसे चलेगा, आप ही रिजाइन कर दो। उनका यार हाँ वैसे भी कांग्रेस मेरे काम की तो है नहीं, तो मैं फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था बनाता हूँ। और इन्होंने वो किया जो मतलब चाहिए था, पूरे विश्व से सपोर्ट ले लिया, जितने बड़े लीडर थे जापान पहुँच गए, कहाँ कहाँ पूरा जापान जो ब्रिटेन से जो आइलैंड कब्जा करता है इन्हीं को दे देता है कि लो तुम अपना सेना स्थापित करो। जर्मनी जाके हिटलर जैसे व्यक्ति से सपोर्ट लेके आ गए। तो हमारे काम का पोजीशन क्या है, गांधी जी का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? पट्टाभि सीतारामैया। पट्टाभि सीतारामैया को हराया किसने? सुभाष चंद्र बोस। और जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया तो उनके जगह पर चेयरमैन कौन बना?
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आता है। तो आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कांग्रेस। नहीं नहीं जो हार गया ओके मैन है, आएंगे आजादी के बाद 48 वाले में ही बनेंगे। आजादी कैसे बने, आजादी के बाद, आजादी के समय जेपी कृपलानी। और फिर 1940 से 45 तक कुछ होगा ही नहीं, तो कौन रहेगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद, लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे लंबे समय तक। अब लिखो 1946 मेरठ, जेबी कृपलानी। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दैट वाज द जेबी कृपलानी। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो हमने कहा कि जेबी कृपलानी आजादी के समय थे, और आजादी के बाद पट्टा भी सीतारामैया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हम देख सकते हैं कि आजादी तक कुल कितने सेशन हुए हैं, 55 सेशन हुए, 55। आजादी के समय जेबी कृपलानी और आजादी के बाद पट्टा भी सीतारामैया। और हमने बताया था कि पट्टा भी सीतारामैया ही ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लिखने का कोई व्यक्ति का श्रेय है तो पट्टाभी सीतारामैया को। तो हमने कहा था सेफ्टी वाल थ्योरी किसने दिया है? लाला लाजपत राय। कॉन्स्पिरेसी थियरी आरपी दत्त, ये सब आता रहता है। लाइटनिंग कंडक्टर थियरी गोपाल कृष्ण गोखले। जनरली जो आज तक आया एस एस सी में ये सेफ्टी वाल थियरी ही आया है कि अंग्रेजों ने सिर्फ भारतीय जनता के प्रेशर को कम करने के लिए बनाया। कॉन्स्पिरेसी थियरी की एक प्रकार का धोखा था आरपी दत्त, और कंडक्टर थियरी एक प्रकार से हम राष्ट्रवाद को कह लें कि इसने लोगों के मन में क्या भावना पैदा कर दी एकता की, राष्ट्रवाद की, जीत लेने की, शासन करने की। है चलो, टोटल हाउ मेनी सेशन ऑफ या मैक्सिमम सेशन इन कोलकाता? 10। सेकेंड पोजिशन 3 और 4 7, और ये 6, तो लिख लीजिए मैक्सिमम सेशन हेल्ड इन कोलकाता 10। मैंने सबसे साउदर्न भी अभी तक कहाँ पे, मद्रास में, काकीनाडा, बेलगाम, लाहौर में 4 बार हुआ है, कराची में 2 बार, तेरह और 31 में। यानी पाकिस्तान से बाहर 2 ही जगह हो रहा है ना, लाहौर, भारत से बाहर लाहौर और कराची। कई सारे स्टेटमेंट है किसने किसने क्या कहा, जनरली 2-3 स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द पीरियड ऑफ 1858 टू 1905
5 are the seeds of the Indian nationalism, and the early nationalists sowed the seeds well and deep. है ना, प्रारंभिक राष्ट्रवाद का दौर है और इस बीजारोपण जो प्रारंभिक नेता हैं उन्होंने अच्छे से बोया था. पट्टाभी सीतारामैया हिस्टोरियन है हमारे पूरे, तो ये जो कहेंगे एग्जेक्टिव वही माना जाएगा. वी कैन नॉट ब्लेम द एटीट्यूड दे अडॉप्टेड द पायनियर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म एनी मोर देन वी कैन ब्लेम द ब्रिक एंड मोर्टर दैट इज 6 feet डीप इन द फाउंडेशन एंड द पिंथ ऑफ द मॉडर्न एडिफाइस. या हम उन्हें भारतीय राजनीति के अग्रदूत के रूप ओवरऑल क्या है कि कांग्रेस ने ही भारत में आज़ादी को संभव बनाया है. कांग्रेस ने ही हमारे लिए आधार तैयार किया, कांग्रेस ने यूनाइट किया, कांग्रेस ने एक राष्ट्र की भावना जगाई. लॉर्ड कर्जन क्या कहता है कि द कांग्रेस इज टटरिंग टू इट्स फॉल. कांग्रेस अपने पतन की ओर है. एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया टू असिस्ट टू पीसफुली डिमाइस. और मेरी एक बहुत तीव्र इच्छा है या एक मेरी दिली इच्छा है कि इसके पतन में मैं अपना सहयोग कर सकूं. और फिर इट वॉज एन बेस्ट एन अपॉर्चुनिटीज मोमेंट, इट ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर द टीचर एंड द हाइपोक्रेसीज. तो इस तरीके से कई बार स्टेटमेंट भी आ जाता है. जैसे हमने कल परसों बताया, अच्छा ये ट्रिक हैं कुछ, मेरा मैंने इनकी जरूरत वरूरत है नहीं. अब से कह रहे हैं कि एनी ऑफ कलकत्ता इन 1917, अभी कोई ट्रिक तो हुआ नहीं, इतना तो रटी लो यार. जैसे इन्होंने कांग्रेस ऑफ 85 बांद्रा इन बॉम्बे इनवाइटेड 88 जनरल ऑल इंग्लिश इन मिड 96 J11 बी फॉर वंदे मातरम जैसे जनगणमन. अभी 96 कैसे हो रहा है, J11 कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता. हाँ अरे वो तो हम भी समझ रहे हैं मेरे भाई, तो वी के आगे 96 ही क्यों, मैं तो मान लो याद करूँ बी आगे 97. इसको ट्रिक नहीं बना ना. बेगम गांधी ऑफ 24 डिमांडेड. तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, हमने खत्म कर लिया है आज. चलो बार इनको बाय कर लें. ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए.